गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास में किया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सारी, उसकी हमने पहला टॉपिक किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर हमने किया था माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। ठीक है, तो हमने देखा था मेल के अंदर कैसे दो गेमीट्स बनेंगी। ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस ए माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करके दो अनइक्वल सेल्स बनाता था। एक हमारे पास बड़े साइज का बनता था जिसको वेजिटेटिव सेल का नाम देते थे, एक छोटे साइज का बनता था उसको जनरेटर का नाम देते थे। ठीक है, फिर पहले वो दोनों एक ही प्रोटोप्लाज्म में थे, इतने में क्या हुआ कि एक कैलोज की वॉल अपीयर हो गई, अगले ही सेकंड वो डिसॉल्व हो जाती है जिसकी वजह से दोनों जो हैं एक ही प्रोटोप्लाज्म में लाई करना शुरू कर देते हैं। 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर वो इस स्टेज पे रिलीज हो जाता है पोलन। ठीक है, लेकिन जो बची हुई 40% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उनके अंदर क्या होता था कि जो हमारा जेनरेटिव था वो दोबारा डिवाइड करता था माइटोटिकली। तो जब वो दोबारा माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो वो दो मेल गैमीट्स बनाता था। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक, यहां तक मैंने कवर करवा दिया था, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव हो गया था। आई होप कि तुमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया है सारा, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। देन हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम का नाम देते हैं। जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, देखो क्या है। फीमेल पार्ट जो है, फीमेल को हम नाम देते हैं पूरे पार्ट को गाइनोशियम। इट इज इसको हम गाइनोशियम का नाम देते हैं। तो गाइनोशियम का जब हम नाम देते हैं तो गाइनोशियम को अगर देखेंगे हम तो इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम दें। ठीक है, इसके पास क्या होती है, तीन चीजें होती है। दिस इज द स्टिग्मा, रिसेप्टिव पोर्शन जो क्या करेगा, आ रहे पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। देन दिस लॉन्ग पोर्शन इज स्टाइल जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। एंड दिस स्वोलन पोर्शन इज ओवरी, ओवरी के अंदर छोटे छोटे पड़े होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जिस पेरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लेसेंटा का। ठीक है, तो ये मैंने बीच में जो गोल गोल बनाए हैं दे आर द ओव्यूल्स, और जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम नाम देंगे प्लेसेंटा का। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ग्रुप ऑफ मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, ग्रुप पूरे को हम नाम देते हैं गाइनोशियम का। उसमें से एक यूनिट निकाल लेंगे दैट इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। इस पूरे को हम नाम देते हैं कार्पल का या फिर पिस्टिल का। तो ये कार्पल जो है इसके अंदर तीन पार्ट्स है। कौन कौन से तीन पार्ट्स है? पहला इसके अंदर जो है दैट इज द स्टिग्मा, रिसेप्टिव पोर्शन जो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स को। दूसरा पार्ट जो है इसके अंदर दैट इज द स्टाइल जो क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है। देन नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज द ओवरी, ओवरी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और वो ओव्यूल्स कैसे कनेक्टेड है, बाय पेरेन्काइमेटस कुशन लाइक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें, अब देखो अगर तुम्हारे गाइनोशियम के अंदर कार्पल एक है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी, अगर कार्पल्स दो हैं तो हम नाम देंगे बाईकार्पलरी, अगर कार्पल्स तीन हैं तो हम उसको नाम देते हैं ट्राईकार्पलरी। ठीक है, ऐसे ही अगर बहुत सारे होंगे तो हम नाम देंगे पॉलीकार्पलरी का। ठीक है, और अब अगर ये कार्पल सारे के सारे फ्री हैं, जैसे मेरी उंगलियां जो है वो फ्री हैं, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। तो जैसे दो है कार्पल्स और दोनों फ्री हैं तो हम कहेंगे बाईकार्पलरी एपोकार्पस। ठीक है, अगर सपोज करो चार है, चारों के चारों जो है वो तीन है, जैसे सपोज करो तीनों के तीनों जो है आपस में ऐसे फ्यूज्ड है बिल्कुल,
तो हम इसको कहेंगे ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस होगी। ठीक है, सिन वर्ड का मतलब होता है फ्यूजन, एपो वर्ड का मतलब जो होता है दैट मीन्स फ्री। तो आई होप कि तुम्हें ये टर्म्स क्लियर है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, ओवरी क्या होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है। देन उसके बाद गाइनोशियम, हम ग्रुप को पूरे को बोलते हैं, उसकी एक यूनिट को बाहर निकाल लेंगे तो दैट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पल। एक जो कार्पल है उसके तीन पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पोर्शन दैट विल रिसीव द पोलन ग्रेन, स्टाइल इज द इलोंगेटेड पोर्शन दैट विल कनेक्ट स्टिग्मा विद द ओवरी, एंड ओवरी इज द बेसल स्वोलन पोर्शन। नीचे से वो स्वोलन पोर्शन है जिसके अंदर क्या पड़े हैं, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स को आपस में जो कनेक्ट करता है दैट इज अ पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। आई होप के सबको समझ आ गया यहाँ तक। अभी जो कनेक्ट भी नहीं हुए थे आई थिंक वो कनेक्ट भी हो गए होंगे। बेटा प्लीज बी ऑन टाइम, क्योंकि मैं टाइम पे क्लास स्टार्ट कर देती हूँ और तुम 10:15 तक तो कनेक्ट ही होते रहते हो, फिर पीछे मैसेज करते हो मैडम दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा कर दो, मेरा नेट कनेक्शन नहीं था, मेरा पुअर था। प्लीज बी ऑन टाइम। ठीक है, 10 means 10, जो टाइम दिया है 10 तो बहुत है, तुम उसमें भी लेट कर देते हो क्लास को। लास्ट लेक्चर की वीडियो सेंड कर देना प्लीज यूट्यूब पे, मेरी मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर सेंड कर दूंगी लास्ट लेक्चर की वीडियो। अब क्लियर है आवाज मेरी? तो मैंने अभी क्या रिपीट किया है तुम्हारे साथ, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की है। ठीक है, ये देखो एक बार दोबारा बेसिक्स रिवाइज कर लो। हम ये फ्लावर को देख रहे हैं, फ्लावर के अंदर क्या है, दिस इज येलो कलर के जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दे आर द पेटल्स जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, देन नीचे तुम्हें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, दे आर द सेपल्स, दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट द नॉन एसेंशियल पार्ट, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। ठीक है, देन तुम्हें जो ये दिख रहा है ग्रीन फिलामेंट और ऊपर येलो कलर का जो है दैट इज द एंथर, ये पूरा क्या बनाता है, स्टेमन, और अगर दोनों स्टेमन्स को इकट्ठा नाम देंगे तो दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है, ये जो बीच में ग्रीन कलर की दिख रही है दैट इज द कार्पल, दिस इज द स्टिग्मा, देन इलोंगेटेड पोर्शन इज स्टाइल, और ये बीच में ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स जिस पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर के साथ लगे हुए हैं उसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो ये देखो बिल्कुल गाइनोशियम की सारी चीजें मैंने लेबल की हुई है, बाहर निकाल के अच्छे से देखो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है मोनोकार्पलरी अगर उसके पास एक कार्पल है, ठीक है, बाईकार्पलरी अगर उसके पास दो कार्पल्स हैं, बहुत सारे कार्पल्स हैं, तो हम उसको मल्टी या फिर पॉलीकार्पलरी का नाम देते हैं। अगर कार्पल्स फ्री हैं तो एपोकार्पस। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम जो मैंने लगाई है एनसीईआरटी की ही है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दी हुई है और लेबलिंग भी की हुई है कि एपोकार्पस जो है वो सी फिगर जो दिख रही है दैट इज एपोकार्पस, इसमें सारे के सारे फ्री है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आती है मिशेलिया। ठीक है, सेन कार्पस का मतलब है सारे फ्यूज्ड हैं, तो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें, हिबिस्कस एंड पेपेवर। ठीक है, तो जो पिस्टिल है फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम है, इसके तीन पार्ट्स हैं ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो ओवरी जो है दैट इज द बेसल स्वोलन पोर्शन होता है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होगी जिसमें चेम्बर्स बने हुए होंगे, ओव्यूल वेयरिंग कुशन ऑफ प्लेसेंटा, ओव्यूल के अंदर मैंने बताया कुशन लाइक स्ट्रक्चर होएगा जिसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। कई हमारे पास प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज पॉलिनेटेड बाय विंड, उनके अंदर अक्सर एक ही ओव्यूल होता है। तो सिंगल ओव्यूल वाला कौन सा है हमारे पास, वीट, पेडी, मैंगो, सनफ्लावर, इनके पास सिंगल ओव्यूल होएगा। मल्टीपल ओव्यूल्स पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स के पास होंगे। स्टाइल जो है लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, देन स्टिग्मा क्या है, अपर ब्रॉडर रीजन जहां पे आके पोलन ट्यूब जो है, पोलन ग्रेन जो है वो बैठती। डन, ठीक है, तो ये वर्टिकल सेक्शन है थ्रू कार्पल, देख लो एक बार अगर देखना है कार्पल के थ्रू, सारा बीच में ओव्यूल दिखाया हुआ है तुम्हें, कैसे ओव्यूल वो हो रहा है, अटैच हुआ हुआ है बाय प्लेसेंटा।
तो अब बच्चे इसको स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इसमें से ये डायग्राम देखो, बिल्कुल फूल काट के तुम्हारे आगे रखा हुआ है, इसमें सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम में देखो ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जिस पेरेन्काइमेटस कुशन के साथ लगे हैं दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, है ना। तो ये ओव्यूल्स है, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम गाइनोशियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो गाइनोशियम स्टार्ट करने से पहले हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा बेसिक सा क्या है ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, पहले तो मैंने ये इलोंगेटेड सा पोर्शन बनाया, दिस वन देखो ध्यान से, ये इसकी ओव्यूल की क्या है, स्टॉक है। इस स्टॉक को हम नाम देते हैं फिनिकुलस का, इट इज कॉल्ड एज फिनिकुलस, ठीक है। ओव्यूल जो है, ये जो मैं शेप बना रही हूँ, ये एंजियोस्पर्म्स का टिपिकल ओव्यूल है और इसको हम नाम देते हैं एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इन्वर्टेड है, उल्टा है। दिस इलोंगेटेड पोर्शन इज कॉल्ड स्टॉक, स्टॉक को हम नाम देते हैं फिनिकुलस का, ठीक है। देन ये जो कवरिंग्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये जो रेड कलर की बनाई है, दीज आर इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स क्या होती है, दे आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्रेजेंट होती है इसके ओव्यूल के अराउंड, और इंटेगुमेंट्स जहां से ओरिजिनेट होती हैं, बननी शुरू होती हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड चलाजा। ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज चलाजा, ठीक है। चलाजा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड एक जगह ऐसी है जहां पे ये एबसेंट है, इंटेगुमेंट्स टोटली एबसेंट है, उस पोर्शन को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल का। माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी कैरिंग द टू मेल गेमीट्स, मेल गेमीट्स को लेके जब उसने फीमेल को फर्टिलाइज करने जाना है तो वो माइक्रोपाइल पोर्शन से एंटर करेगी। और याद रखना है माइक्रोपाइल के ऊपर इंटेगुमेंट्स एबसेंट होती है। फिर देखो जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, ये पूरी ये स्टॉक के साथ फ्यूज्ड है, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद, जैसे ये स्टॉक है, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, ऐसे आपस में फ्यूज्ड हैं, तो जब ऐसे फ्यूज्ड हैं तो यहां एक रिज बनेगी, उस रिज को हम नाम देते हैं रेफी का, दैट रिज इज कॉल्ड एज रेफी, दिस इज रेफी। और दोनों जहां से अटैच कर रहे हैं ऐसे, जिस जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड हाइलम, उसको हम हाइलम का नाम देंगे, फाइन। और अगर तुम इसके अंदर ध्यान दोगे तो इसके अंदर क्या बना हुआ है, एम्ब्रियो सैक। ये जो गोल सा मैंने बनाया है दैट इज एम्ब्रियो सैक, या फिर इसको हम नाम देते हैं फीमेल गेमिटोफाइट का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गेमिटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर देखो क्या क्या मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल नीचे माइक्रोपाइलर की साइड पे तीन सेल्स मिलेंगे, दो साइड वाले जो हैं इनको नाम देंगे सिनर्जिड्स का, और बीच वाला जो है उसको नाम देंगे एग सेल का। बेसिकली एग इज द फीमेल गैमेट, और जो दो साइड वाले हैं दे आर सिनर्जिड्स, और नीचे सिनर्जिड्स के बेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पड़ी हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस का। और ये तीनों चीजें मिलके हमें क्या बना के देती हैं, एग अपरेटस, इट इज कॉल्ड एग अपरेटस, समझ आया। बीच में क्या पड़ा हुआ है, पोलर न्यूक्लियस, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई आपस में इकट्ठे पड़े हैं, इसकी कंडीशन है एन प्लस एन, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई अभी फ्यूज्ड नहीं है, बाद में फ्यूज करेंगे, अभी इसकी कंडीशन है एन प्लस एन। और बिल्कुल ऊपर इसके क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, एंटीपोडल्स, इन सेल्स को हम एंटीपोडल्स कहते हैं, इनका काम होता है ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में ही हेल्प करते हैं, ठीक है, डन। और ये जो ओव्यूल है, नीचे वाले पोर्शन में तो एम्ब्रियो सैक आ गया माइक्रोपाइलर पोर्शन में, बाकी ऊपर जो है सारी जगह, ये वाली देखो,
ये सारा फिल्ड है, किस चीज से फिल्ड है? बाय अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। उन पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम किसका नाम देते हैं? न्यूसेलस का। इट इज कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जो कि इन्वर्टेड है। ठीक है, तो एक बार मैं इसके पार्ट्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो। अगर किसी को नहीं कोई दिक्कत, मतलब कोई चीज समझ नहीं आई या कोई दिक्कत आई है, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन मतलब हियर इट अगेन, लिसन इट प्रॉपर। सबसे पहले हमने कहा कि फीमेल पार्ट जो है उसके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तुम्हारे सामने ओवरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ओवरी के अंदर जो व्हाइट सा पोर्शन दिख रहा है दैट इज द ओव्यूल, और ओव्यूल जिस चीज से लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओव्यूल बेसिकली क्या है? जैसे हमने मेल किया था, मेल के अंदर हमने कहा था चार सैक्स हैं जिनके अंदर बनेंगे मेल स्पोर्स, या फिर उनको नाम देते हैं पोलन ग्रेन्स का। सिमिलरली ये जो है तुम्हारे ओवरी जो है इसकी फ्लावर की, इसके अंदर ओव्यूल जो है दैट इज आल्सो अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें फीमेल स्पोर बनेगा, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं मेगा सोपरेंजियम का। इट इज कॉल्ड मेगा सोपरेंजियम। एक ही मेगा सोपरेंजियम है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। तो ओव्यूल को हम नाम देंगे मेगा सोपरेंजियम का। जितने ओव्यूल्स होंगे उनके अंदर सबका यही स्ट्रक्चर होगा। ओव्यूल की हमारे पास काफी टाइप्स है, लेकिन जो हम कर रहे हैं दैट इज द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, जो उल्टा है। तकरीबन 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर यही वाला ओव्यूल मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ओव्यूल की एक लंबी सी स्टॉक है जिसको हम नाम देते हैं फिनेकुलस का। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो ओव्यूल है इसको बाहर से कवर करती है प्रोटेक्टिव लेयर्स, इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम नाम देते हैं इंटेगुमेंट्स का। तीसरी चीज क्या देखी? जहां से इंटेगुमेंट्स ओरिजिनेट होती हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड चलाजा। चलाजा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड एक जगह ऐसी है जहां पे इंटेगुमेंट्स आर टोटली एब्सेंट एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और वहां पे ये माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी कैरिंग द टू मेल गैमेट्स। फाइन, फिर हमने देखा कि जो ये है बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो किसके साथ फ्यूज्ड है? एक क्या कहते हैं फिनेकुलस के साथ फ्यूज करके एक रिज बनाती है, दैट रिज इज कॉल्ड एज रेफी। और दोनों का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां से वो अटैच करना शुरू करे हैं दैट इज कॉल्ड हाइलम। फिर हमने देखा कि इसके अंदर एक मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स भरा हुआ है, जो मैंने रेड रेड डॉट्स बनाए हैं, एंड दैट मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स इज कॉल्ड न्यूसेलस। उसको हम नाम देते हैं, इट इज नॉट न्यूक्लियस, इट इज न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस का नाम देते हैं। ठीक है, फिर नीचे तुम्हें मिलेगा, अभी तक जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, ठीक है, देन चलाजा, देन तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं न्यूसेलस के सेल, इन सब की कंडीशन 2n है। ठीक है, डिप्लॉयड है, लेकिन जो अंदर पड़ा हुआ है एम्ब्रियो सैक जिसमें तुम्हें क्या कहते हैं 7 सेल्स दिख रहे हैं, 3 ऊपर एंटीपोडल्स, 3 नीचे सेंटर वाला एग सेल, 2 आसपास वाले सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स के नीचे पड़ा है फिलीफॉर्म अपरेटस। इन तीनों को मिला के नाम देते हैं एग अपरेटस का, और बीच में 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। इस पूरे गोल ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, या फिर इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ है, लेट मी चेक इट, क्या कहते हैं। मैम लोक्यूल क्या होता है? लोक्यूल बेटा चेंबर होता है, जिस चेंबर के अंदर ओव्यूल्स पड़े होते हैं उसको हम नाम देते हैं लोक्यूल का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोक्यूल। तो देखो ध्यान से, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये तुमने ड्रॉ करके देखना है, और ये हर एग्जाम में तकरीबन इसकी डायग्राम आती ही आती। देखो ध्यान से, ये उल्टा है, उल्टा करके रखा हुआ है, तो हम इसको इन्वर्टेड ओव्यूल का नाम देंगे। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म्स का ओव्यूल है और इसको हम नाम देते हैं एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल का। सबसे पहले इसमें फिनेकुलस लोकेट करो, बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, मैं तुम्हें बताती हूँ, एरो देखो किधर किधर जा रहा है।
दिस इज फिनेकुलर स्टॉक ऑफ द ओव्यूल. देन दिस ब्लैक कलर्ड जिसको वेस्कुलर स्ट्रैंड वो किया है दैट इज रेफी रिज जो बनेगी. फिर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो बताया हुआ है दैट इज हाइलम. ये बाहर जो कवरिंग्स है दे आर इंटेगुमेंट्स जहां से ओरिजिनेट हुई है चलाजा. चलाजा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है माइक्रोपाइल जहां से इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है और ये यहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी. दिस ये जो है पोर्शन जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स तुम्हें सारे के अंदर दिख रहे हैं दैट इज द पेरेन्काइमेटस मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स. इनको हम नाम देते हैं न्यूसेलस का. इट इज कॉल्ड न्यूसेलस. और बिल्कुल न्यूसेलस के जो न्यूसेलस है उसके बीच में हमारे पास पड़ा है फीमेल गेमिटोफाइट या फिर एम्ब्रियोस है ये पड़ा. इसके माइक्रोपाइल एंड की तरफ देखो ये तीन जो दिखाई दे रहे हैं ये इकट्ठे मिलके बनाएंगे एग अपरेटस. इसमें सेंटर वाला है एग और ऊस्फियर. साइड वाले दो जो हैं वो है सिनर्जिड्स और नीचे को इसके प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस. और बीच वाले जो दो हैं दे आर कॉल्ड टू पोलर न्यूक्लियाई. और ऊपर वाले तीन जो हैं चलाजल साइड के ऊपर पड़े हुए हैं दे आर द एंटीपोडल सेल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल दैट इज called anatropous type of ovule. ये उसका structure है. अगर किसी को कोई दिक्कत है तो you can ask me. Otherwise मैं दो तीन चीजें और बता रही हूँ. देखो अब integument एक भी हो सकती है. अगर integument एक है तो unitegmic. ठीक है जो gymnosperms होते हैं उनमें integument एक ही होती है. Integuments दो भी हो सकती हैं. Bitegmic. तकरीबन एनजीओ में हमारे में दो प्रेजेंट होती है. ठीक है तीन भी हो सकती हैं. दैट इज अ रेयर कंडीशन. बहुत कम होती है कंडीशन. एग्जांपल याद रखोगे एस्फोडेलस उसके अंदर तीन होती हैं तो नाम देंगे ट्राइटेगमिक का. कोई भी नहीं हो सकती मतलब टोटली इंटेगुमेंट्स एबसेंट भी हो सकती है. अगर टोटली इंटेगुमेंट्स एबसेंट है तो उसको बोलेंगे एटेगमिक. ए टेगमिक बोलेंगे तो एग्जांपल इसकी हमारे पास है संदलवुड चंदन का जो पेड़ होता है सेंटेलम एल्बम उसका साइंटिफिक नेम है. उसके अंदर तुम्हें कोई भी इंटेगुमेंट नहीं मिलेगा. वन है यूनिटेगमिक दो है बाइटेगमिक तीन रेयर कंडीशन है ट्राइटेगमिक और टोटली एबसेंट जो है दैट इज ए टेगमिक. उसके बाद अगली चीज ये जो बीच में न्यूसेलस पड़ा हुआ है ये मैंने देखो कितना थिक बनाया मतलब बहुत कम जगह है बीच में और न्यूसेलस के सेल्स भरे हुए. ऐसे ओव्यूल को जिसमें न्यूसेलस बहुत मासिव होता है ह्यूज अमाउंट में होता है हम उसको कहते हैं क्रेसी न्यूसेलेट. लेकिन अगर न्यूसेलस के सेल थोड़े थोड़े कहीं कहीं प्रेजेंट होते तो हम उसको बोलते हैं टेनी न्यूसेलेट. टेनी न्यूसेलेट का नाम देते. ठीक है क्लियर. प्लीज म्यूट योर माइस. मैम आवाज नहीं आ रही है. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही. अब किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है. अनम्यूट कर लिया किसने कर लिया अपने आप को. मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को. यस मैम. कविता यू आर लिसनिंग मी. यस मैम. उवेश मेरी आवाज आ रही है. यस मैम. बेटा मुझे तो लगता है मेरी आवाज आ रही है और तुम मुझे लगता है तुम्हारे वहां पे नेट कनेक्शन में भी पुअर होएगा. बट एक ही बच्चे का मैसेज आया है कि बाकी तो सब कह रहे हैं यस मैम ठीक है. अच्छा पूजा कुमारी कह रही है अब ठीक है. पूजा तेरा बच्चे तू ना क्लास शुरू होने से पहले एक बार स्विच ऑफ करके फोन ना ऑन कर लिया कर. कई बार नेट कनेक्शन पुअर होता है तो वो दोबारा सही चल पड़ता है. ठीक है चलो. तो तुम्हें ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर है. अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने के बाद देखो
ये थोड़ी सी इसकी चीजें जो मैंने बोल के एक्सप्लेन की है अब वो लिखी हुई है, तो तुम इसको ध्यान दो जरा। ओव्यूल इंटेगुमेंटेड है, इंटेगुमेंटेड मतलब बाहर इसके इंटेगुमेंट्स लगी हुई हैं। इनडेहिसेंट है, इनडेहिसेंट का मतलब क्या है कि ये कभी भी खुद फटेगा नहीं, जैसे वो फट जाते थे ना सैक्स और पोलन्स को रिलीज कर देते थे, तो ये कभी भी फटेगा नहीं, ठीक है, और इसीलिए इसको हमने इनडेहिसेंट कहा है। मेगा सोपरेंजियम क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे, फीमेल स्पोर्स बनेंगे। मेगा वर्ड कहीं पे भी आ जाए बॉटनी के अंदर, इसका मतलब वो फीमेल की बात कर रहा है। सोपरेंजियम मतलब सैक्स, जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। डिवेल्प इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये किस में डिवेल्प कर जाता है, सीड के अंदर, ठीक है। फिनेकुलस इट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनेकुलस टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। रेफी इट इज द रिज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फिनेकुलस लेंथ वाइज बियॉन्ड हाइलम। न्यूसेलस पेरेन्काइमेटस मास इन द ओव्यूल बॉडी। इंटेगुमेंट्स एक या दो मल्टी सेल की क्यूटेनाइज्ड कवरिंग्स होंगी न्यूसेलस के बाहर, जिनको इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। Then comes endothelium, inner region of integument providing nutrition. Endothelium integument के अंदर का portion होता है जो nutrition provide करता है। Chalaza, ये वो portion है जहां से integuments develop करेंगी, originate करेंगी, उसको हम chalaza का नाम देते हैं। Micropyle pore of passage at the tip of the integuments. Integuments की tip के ऊपर एक pore है जहां से एक रास्ता बनता है और उस रास्ते के through pollen tube लेके जाती है मेल गैमेट्स को, और माइक्रोपाइल के ऊपर कभी भी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। देन अगली चीज देखो, इसके बाद हमने किया टर्म्स रिलेटेड टू ओव्यूल। न्यूसेलस टेनी न्यूसेलेट, अगर न्यूसेलस बहुत कम है तो टेनी न्यूसेलेट, फैमिली एस्ट्रेसी और कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी हमारी सनफ्लावर वाली फैमिली है, ठीक है। देन क्रेसी न्यूसेलेट, बहुत ज्यादा मतलब अगर है, क्या कहते हैं, भरा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड क्रेसी न्यूसेलेट। फैमिली कैसी यूरेनियसी, जिसमें कैसो यूरानिया आता है। ओव्यूल अगर एक इंटेगुमेंट है तो यूनिटेगमिक, एस्ट्रेसी के अंदर हमें यूनिटेगमिक मिलेगा। बाईटेगमिक अगर दो हैं, ब्रासिकेसी और मालवेसी, कॉटन वाली और मस्टर्ड वाली फैमिली में हमें दो मिलेंगे। ट्राईटेगमिक कंडीशन रेयर है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है एस्फोडेलस। एटेगमिक मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो एग्जाम्पल इसकी है सेंटेलम, दैट इज संदलवुड, ठीक है। अब देखो बच्चे ध्यान से, अब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर कर लिया। ओव्यूल जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन, कैसी ओरिएंटेशन है उसकी, तो ये छह तरह का प्रेजेंट होता है, ठीक है, छह टाइप्स हैं इसकी। ध्यान से करो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कैसे ये ओव्यूल की शेप चेंज होती, ठीक है। देखो सबसे पहले एनाट्रोपस, जो सेकेंड नंबर के ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर मैं एरो घुमा रही हूं, देखो ध्यान से, दिस इज एनाट्रोपस जो उल्टा पड़ा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन, 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर हमें यही वाला ओव्यूल जो है वो मिलेगा, दैट इज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, या फिर इसको हम नाम देते हैं किसका, इन्वर्टेड का। अंजलि, व्हाट यू वांट टू आस्क, क्या पूछना बच्चे आपको, पूछो, मैसेज किया। निधि, मैम मेरा सारा लेक्चर रह गया, मैंने कनेक्ट किया था, थोड़ी देर ही लगा था लेक्चर, मैम कनेक्ट नहीं होता, मैम आज वाला सारा लेक्चर रह गया। निधि यादव, कोई बात नहीं निधि, मैं वीडियो लेक्चर भेज दूंगी तुम्हें। अंजलि, यू वांट टू आस्क समथिंग, अंजलि रामवीर, मैम पीपीटी दिखाई नहीं दे रही, क्यों पीपीटी क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्या दिक्कत आ रही है आज तुम्हें, हमारा तो टाइम भी बहुत कम रह गया। देखो ध्यान से, दिख रही है अब सबको पीपीटी, इसमें देखो जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल हमने बनाया है, दैट इज सेकंड नंबर वाला है एनाट्रोपस। अब देखो इसकी स्टॉक को पकड़ के रखो, यहां पे ही रखो, लेकिन जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है उसको ऐसे 90 के एंगल पे घुमा दो, ये चीज पकड़ के ऐसे इधर को ले आओ और फिनेकुलस यहीं पे रहने दो, तो तुम्हारे पास बन गया ये वाला ओव्यूल। देखो ध्यान से,
कौन सा, ये वाला थर्ड नंबर, दैट इज हेमीट्रोपस। हेमी मतलब आधा, तो हमने 90 के एंगल पे घुमाया है तो बन गया हेमी। अब हेमी को फिर 90 पे घुमा दो तो बनेगा फर्स्ट वाला ऑर्थोट्रोपस। या तो हेमी जो यहां आ गया था उसको दोबारा घुमा दो तो ये चीज यहां चली जाएगी, या फिर एनाट्रोपस को 180 पे घुमा दो, पहले इधर से इधर आया फिर इधर से इधर चला गया, तो क्या बन गया तुम्हारे पास, ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस में सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में होती हैं, चलाजा, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें स्ट्रेट लाइन में मिलेंगी। ठीक है, अब तुमने एनाट्रोपस फिर से देख लेना है। एनाट्रोपस के अंदर अगर जो कर्व है वो सिर्फ बॉडी ऑफ द ओव्यूल के अंदर है, एम्ब्रियो सैक में नहीं है। ये देखो, दिस इज ऑर्थोट्रोपस। अगर जो कर्व है वो सिर्फ बॉडी ऑफ द ओव्यूल में है लेकिन एम्ब्रियो सैक बिल्कुल सीधा है तो उसको कहते हैं एम्फीट्रोपस। अगर जो कर्व है, देखो बॉडी भी कर्व्ड है और तुम्हारे पास एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड है, दोनों चीजें कर्व्ड हैं तो नाम देंगे कैम्पाइलोट्रोपस का। ठीक है, अगर फिनेकुलस ऐसे घूम के सारे उसको कवर करती हुई दूसरी साइड से निकल आती है देन इट इज कॉल्ड सिरसिनोट्रोपस, फिर हम इसको सिरसिनोट्रोपस का नाम देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से देखो। स्क्रीन शेयर तो की हुई है मैंने बेटा, दोबारा कर रही हूं स्क्रीन शेयर। अब देखो, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसमें क्या है, हमारे पास टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। टिपिकल ओव्यूल जो 80% ऑफ द फैमिलीज के अंदर मिलेगा दैट इज सेकेंड वाला एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, इसको हम एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल का नाम देते हैं। फिर एनाट्रोपस के बाद देखो ध्यान से, जब हमने बॉडी स्टॉक ऑफ द ओव्यूल को पकड़ के रखा, बॉडी को टिल्ट कर दिया, ऐसे थी ना बॉडी, ये स्टॉक थी, बॉडी को घुमा दो 90 के एंगल के ऊपर तो बॉडी इधर को आ गई, स्टॉक वहीं पे रहेगी, कौन सा बन गया, हेमी, सेकेंड नंबर पे देखो। अब ऐसे है कंडीशन, इसको फिर 90 पे घुमा दो, ऐसे हो गया, नीचे स्टॉक आ गई और ऊपर सारी चीजें जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ गई, फिनेकुलस, एम्ब्रियो सैक, चलाजा, सारी चीजें जो है माइक्रोपाइल स्ट्रेट लाइन में आ गई। अब एनाट्रोपस ही है, ठीक है, एनाट्रोपस ही है, उल्टा पड़ा हुआ है, इसमें एम्ब्रियो ये बिल्कुल सीधा है, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक बीच में बिल्कुल सीधा है, जैसे है वैसे ही है, लेकिन जो बीच में वो प्रेजेंट था, क्या कहते हैं तुम्हारे पास, बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, वो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट कर गई, मुड़ गई, देन इट इज एम्फीट्रोपस। अगर जब बॉडी मुड़ी तो टिल्ट जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर भी आ गया तो कैम्पाइलोट्रोपस। फिनेकुलस यहां से चली घूम के पूरी बॉडी को कवर करते हुए दूसरी साइड से निकल गई, देन इट इज कॉल्ड सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, ध्यान से देखो अगली स्लाइड। ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस भी बोलते हैं, इरेक्ट ओव्यूल भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मिलेगा, देखो इसमें सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में। एनाट्रोपस टिपिकल मोस्ट कॉमन है, इसको इन्वर्टेड और रीसुपिनेट का नाम भी दे देते हैं और ये फैमिली सोलानेसी में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हेमीट्रोपस हाफ इन्वर्टेड, मतलब तुम एना को 90 के एंगल के ऊपर घुमा दो तो क्या बनेगा, हेमीट्रोपस। एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रासिकेसी, देखो फिनेकुलस इधर है और वो 90 के एंगल के ऊपर बॉडी घूम गई। देन कम्स द कैम्पाइलोट्रोपस, देखो इसमें जो है बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो है वो कर्व्ड है, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा है, दैट इज कैम्पाइलोट्रोपस। देखो ध्यान से, ये हमें मिलता है क्या कहते हैं, फैमिली चीनोपोडियसी में, जिसमें ये आता है हमारा बीट रूट।
देन देखो बॉडी में भी कर्व्ड है, कर्व है और उसके सैक में एम्ब्रियो सैक भी थोड़ा सा मुड़ गया, बॉडी भी मुड़ गई सैक भी मुड़ गया, तो इसको कहेंगे एम्फीट्रोपस। ये हमें क्रूसीफर्स के अंदर मिलता है, ठीक है। देन हमारे पास सिरसिनोट्रोपस अपंशिया वगैरह के अंदर मिलेगा, बॉडी जो फिनेकुलस है वो पूरी बॉडी को कवर करती हुई दूसरी तरफ से निकल आई, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। तो आज यहां तक हम पूरा करते हैं, इसको प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर तुम्हें एम्ब्रियो सैक की टाइप्स और इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होएगा तो ही हम आगे कर पाएंगे। तो पहले आज मैंने तुम्हें बताया है गाइनोशियम के बारे में, फिर मैंने सिनकार्पस एपोकार्पस टर्म्स बताई, फिर मैंने पार्ट्स बताए, फिर एंथर ओव्यूल का स्ट्रक्चर किया, फिर उसके अंदर देखा न्यूसेलस कम है ज्यादा है क्या नाम देंगे, इंटेगुमेंट एक है दो है, फिर हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की। यहां तक रिवाइज कर लेना, बाकी रेस्ट जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। क्रूसीफर्स, क्रूसीफर में ये आती है गोभी वगैरह, हमारी क्रूसीफरेसी फैमिली है, कल वाली वीडियो में भेज दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ नोट्स में सेंड करूंगी, लेकिन इसकी डायग्राम बना के देखनी है सबने, कल मैं देखूंगी सबकी बनी हुई डायग्राम, और शाम तक मुझे सारे फोटोज भेजोगे इसकी डायग्राम बना के ग्रुप में, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल की, ओके। जिसकी शाम को नहीं आएगी, जिसकी शाम तक फोटो नहीं आएगी, मैं उसको कल क्लास नहीं लगाने दूंगी, अपने आप निकाल दूंगी मैं बाहर, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। हाँ पीडीएफ में भेज दूंगी, ओके इतना पढ़ के रखना अच्छे से।